कड़वा है बट सच है। जो हम कपड़े पहनते हैं उसके बेसिस पर लोग हमें जज करते हैं और यही हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। और आज मैं फैशन एंड क्लॉथिंग की बात करूंगा जिसमें मेरी कुछ खास एक्सपर्टीज है नहीं बट धीरे धीरे मैं अपना स्टाइल समझ रहा हूँ। एक साल पहले तक तो मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था कि मैं क्या पहन रहा हूँ, वही एक जीन्स और कुछ शर्ट्स हर जगह पहन लेता था और ये हम सब लड़कों का हाल है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना स्टाइल ढूंढना और समझना कि हम पर कैसे कपड़े सूट करते हैं और ये हमारी पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है। जैसे मेरे केस में मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, एथलेटिक हूँ, तो ये सब एट्रीब्यूट्स मेरे कपड़ों में भी दिखने चाहिए और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैंने ये भी रियलाइज करा है कि मुझ पर बैगी क्लॉथ भी शूट करते हैं, तो मैंने काफी सारे बैगी पैंट ले लिए धीरे धीरे और मैं जीन्स भी स्किनी फिट नहीं रिलैक्स फिट पहनता हूँ बिकॉज ओवर द टाइम मुझे ये समझ आ गया कि ये मेरे लिए बेटर स्टाइल है। इनको मैं पेयर करता हूँ डिफरेंट टी शर्ट के साथ, कुछ बहुत कूल एंड ग्रूवी डिजाइन है, कुछ प्लेन एंड सबटल है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये सब एक साथ खरीद लो, धीरे धीरे अपने बजट से लो ताकि एक साल में एक अच्छा वार्डरूम बन जाए। कहीं पे थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखना हो या डेट पर जाना हो तो आप एक क्लासी शर्ट को जीन्स के साथ पेयर कर सकते हो। बेसिक ब्लू एंड ब्लैक जीन्स इज द मस्ट। फन वाइब एंड थोड़ा क्लासी कैजुअल दिखने के लिए मेरे पास ये लाइट शॉर्ट्स एंड पोलो टी शर्ट है। आई जस्ट लव दिस आउटफिट। और अपने लुक को कम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छे शूज, वॉच, एसेसरीज एंड सनग्लासेस मत भूलना। और हाँ, अगर आप यूनिक एंड अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं तो इस पेज को फॉलो कर सकते हो।